नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में देखेंगे जनरल साइंस रसायन विज्ञान के 10 एमसीक्यू जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले हर वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। पहला क्वेश्चन, शुद्ध चीनी में कौन सा तत्व उपस्थित नहीं होता है? ठीक है, शुद्ध चीनी में कौन सा तत्व उपस्थित नहीं होता है? ऑप्शन ए कार्बन, ऑप्शन बी हाइड्रोजन, ऑप्शन सी नाइट्रोजन, ऑप्शन डी ऑक्सीजन। ठीक है, चलिए 10 सेकंड लीजिए, सोचिए, फिर देखते हैं सही उत्तर क्या है। ओके, देखते हैं, सही उत्तर है ऑप्शन सी नाइट्रोजन। ठीक है, शुद्ध चीनी में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं। इसका सूत्र है C12H22O11। ठीक है, C12H22O11। ठीक है, तो क्या नहीं होता है? नाइट्रोजन नहीं होता है शुद्ध चीनी में। अगला क्वेश्चन, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, समान संख्या में परमाणु वाले न्यूक्लियाइड को क्या कहते हैं? समान संख्या में परमाणु वाले न्यूक्लियाइड को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए समपरासारी, ऑप्शन बी समस्थानिक, ऑप्शन सी समवय समावयव, ऑप्शन डी समदाब या समभार। ठीक है, चलिए 10 सेकंड लीजिए, सोचिए, फिर देखते हैं सही उत्तर। चलिए देखते हैं, सही उत्तर है ऑप्शन बी समस्थानिक। समान संख्या में परमाणु वाले न्यूक्लियाइड को कहते हैं समस्थानिक। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। ठीक, अगला क्वेश्चन, तांबा किसके द्वारा शुद्ध होता है? ऑप्शन ए तपाने से, ऑप्शन बी ऑक्सीकरण से, ऑप्शन सी विद्युत अपघटन से, ऑप्शन डी मंडल परिष्करण से। ओके, तांबा किससे शुद्ध होता है? 10 सेकंड लीजिए, सोचिए, फिर देखते हैं सही उत्तर। चलिए देखते हैं सही उत्तर। सही उत्तर है ऑप्शन सी विद्युत अपघटन से। तांबा विद्युत अपघटन द्वारा शुद्ध होता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। ओके, ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जंग रोधी इस्पात का निर्माण इस्पात का मिश्रात्वन किससे होता है? ठीक है, मिश्रात्वन किससे होता है? ऑप्शन ए ताम्र और निकेल, ऑप्शन बी ताम्र और क्रोमियम, ऑप्शन सी क्रोमियम और निकेल, ऑप्शन डी मैग्नीज और ताम्र। जंग रोधी इस्पात का निर्माण इस्पात का मिश्रात्वन किससे होता है? 10 सेकंड लीजिए, सोचिए, देखते हैं सही उत्तर। चलिए देखते हैं सही उत्तर। सही उत्तर है ऑप्शन सी क्रोमियम और निकेल। ठीक है, जंग रोधी इस्पात का निर्माण इस्पात का मिश्रात्वन किससे होता है? क्रोमियम
क्रोमियम और निकेल से। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, माणिक्य और नीलम किसके ऑक्साइड हैं? ठीक है, माणिक मतलब मणि, माणिक्य और नीलम किसके ऑक्साइड हैं? ऑप्शन ए कॉपर, ऑप्शन बी टिन, ऑप्शन सी आयरन, ऑप्शन डी एल्यूमिनियम। ठीक है, चलिए 10 सेकंड लीजिए, सोचिए, फिर देखते हैं सही उत्तर क्या है। चलिए देखते हैं सही उत्तर। सही उत्तर है ऑप्शन डी एल्यूमिनियम। ठीक है, माणिक और नीलम किसके ऑक्साइड हैं? ऑप्शन डी एल्यूमिनियम के। ओके, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, स्लैग यह नाम किसे दिया जाता है? स्लैग यह नाम किसे दिया जाता है? ऑप्शन ए गलित लौह, ऑप्शन बी गलित सैंड, ठीक है, ऑप्शन सी गलित एलुमिना, ऑप्शन डी गलित कैल्शियम सिलिकेट। ठीक है, चलिए 10 सेकंड लीजिए, बताइए स्लैग किसे कहा जाता है। 10 सेकंड बाद देखते हैं सही उत्तर क्या है। चलिए देखते हैं सही उत्तर क्या है। सही उत्तर है ऑप्शन डी गलित कैल्शियम सिलिकेट। ठीक है, स्लैग गलित कैल्शियम सिलिकेट को नाम दिया जाता है। ठीक है, यह कहा जाता है। ठीक है, स्लैग। अगला क्वेश्चन, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, किसी विद्युत अपघट्य की असंलग्नता, ठीक है, असंलग्नता का स्तर किस पर निर्भर है? ओके, फिर से, किसी विद्युत अपघट्य की असंलग्नता का स्तर किस पर निर्भर है? ऑप्शन ए तन्यता, ऑप्शन बी अशुद्धता, ऑप्शन सी वायुमंडलीय दाब, ऑप्शन डी विलयन की विधि। ठीक है, चलिए 10 सेकंड लीजिए, सोचिए, फिर देखते हैं सही उत्तर। चलिए देखते हैं सही उत्तर। सही उत्तर है ऑप्शन ए तन्यता। ठीक, किसी विद्युत अपघट्य की असंलग्नता का स्तर तन्यता पर निर्भर करता है, तन्यता पर निर्भर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्वर्ण निम्नलिखित में से किस पदार्थ में घुल जाता है? ओके, ऑप्शन ए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ऑप्शन बी नाइट्रिक अम्ल, ऑप्शन सी एक्वारेजिया, ऑप्शन डी एसिटिक अम्ल। ठीक है, चलिए 10 सेकंड लीजिए, सोचिए, फिर देखते हैं सही उत्तर। चलिए देखते हैं, सही उत्तर है ऑप्शन सी एक्वारेजिया। स्वर्ण एक्वारेजिया में घुल जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, पोर्टलैंड सीमेंट में जिप्सम मिलाने से मदद मिलती है। फिर से, पोर्टलैंड सीमेंट में जिप्सम मिलाने से मदद मिलती है। ऑप्शन ए सीमेंट का सामर्थ्य बढ़ाने में, ऑप्शन बी सीमेंट का शीघ्र जमने में, ऑप्शन सी सीमेंट को शीघ्र जमने से रोकने में, ऑप्शन डी सीमेंट की लागत कम करने में।
पोर्ट लाइन में सीमेंट में जिप्सम मिलाने से क्या होता है? 10 सेकंड लीजिए, सोचिए, फिर देखते हैं सही उत्तर। चलिए देखते हैं सही उत्तर। सही उत्तर है ऑप्शन सी, सीमेंट को शीघ्र जमने से रोकने में। पोर्टलैंड सीमेंट में जिप्सम मिलाया जाता है उसे सीमेंट को शीघ्र जमने से रोकने के लिए। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। ओके, अगला क्वेश्चन। कौन से दो आधारभूत बल दो न्यूट्रॉनों के बीच आकर्षण उपलब्ध करा सकते हैं? ठीक है, कौन से दो आधारभूत बल जो दो न्यूट्रॉनों के बीच आकर्षण बल उपलब्ध करा सकते हैं? ऑप्शन ए गुरुत्वीय और स्थिर विद्युत, ऑप्शन बी कुछ अन्य बल, ऑप्शन सी गुरुत्वीय और नाभिकीय, ऑप्शन डी स्थिर विद्युत और नाभिकीय। चलिए 10 सेकंड लीजिए, सोचिए, फिर देखते हैं सही उत्तर। चलिए देखते हैं, सही उत्तर है ऑप्शन सी गुरुत्वीय और नाभिकीय। ठीक है, गुरुत्वीय और नाभिकीय बल दो न्यूट्रॉनों के बीच आकर्षण उपलब्ध करा सकते हैं, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो चलिए पूरे हुए इस वीडियो के 10 क्वेश्चन। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी, काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।